हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द शेयर मार्केट जोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो काफ़ी पेनी स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, स्कैंडेंट मैजन लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इस स्टॉक में क्या करना है और काफ़ी लोग ऊपर में फंस चुके हैं, उसमें क्या करना है, एवरेज करना है या इसमें लेना है नीचे में या नहीं लेना है। और काफ़ी अच्छा इसमें अभी ब्रेकआउट हुआ था लेकिन नीचे ऊपर गया था, नीचे का सर्किट खुल गया है, सिर्फ नीचे का सर्किट लग रहा था। इसमें बहुत से ट्रेडर फंस चुके हैं, तो जानते हैं इसमें क्या करना है हम लोग को अभी। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को स्कैंडन इमेजन लिमिटेड के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी जब इसमें वॉल्यूम आई थी, देखिए काफ़ी अच्छा इसमें अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन फिर भी अभी अभी नीचे की ओर आने लगा है। तो इसका आप देख सकते हैं सपोर्ट आपको ये मिलेगा, दिस इज़ अ सपोर्ट, इसी के आसपास आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपको पास आप अगर ऊपर लेने में फंसे हुए तो आप इसको यहाँ पर अब बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर एवरेज नहीं करेंगे। अगर किसी को न्यू लेना है, किसी को न्यू इन्वेस्ट करना है इसमें या इसमें लेकर टारगेट रखना है तो आपको बाय बनाना है इसके 25 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 25 के आसपास इसको फर्स्ट बाइंग करेंगे। अगर फ्रेश बाइंग करनी है किसी को तो 25 के आसपास ही बाई करेंगे, उस पर ऊपर नहीं बाई कर सकते हैं क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, ऊपर सर्किट नीचे सर्किट लग रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट आसपास है 25-26 के पास, तब उसी के पास इसको बाई करके चलेंगे। अगर आप लोग ऊपर 40 उसके ऊपर लेकर फंसे हुए हैं तो आप लोग को एवरेज करने के लिए हम बता रहे हैं कहाँ पर एवरेज करेंगे। आप लोग यहाँ पर आप लोग एवरेज करेंगे इस लेवल के पास आप लोग एवरेज करके चलेंगे इस लेवल के पास। देख सकते कितना अच्छा सपोर्ट है इसका, 16 के आसपास आपको इसको एवरेज करना है। अगर 40 के ऊपर आप लोग लेकर फंसे हों तो इसको 16 के आसपास ही एवरेज करना है, उससे पहले इसमें एवरेज नहीं करना है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा जा सकता है, पर अभी शॉर्ट टर्म में इसका बहुत ही गड़बड़ है क्योंकि ये अपर सर्किट से लोअर सर्किट में आया है, तो अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ लोअर सर्किट लग रहा है तो ये मुझे लग रहा है अभी कि इसके आसपास यहाँ पर एक बार आएगा। तो यहाँ से एक बार आकर प्रेस बाइंग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, और इसके टारगेट यहां पर रहेगा 40 से 45 का टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इसको नीचे में एवरेज करके चल सकते हैं, या नीचे आएगा तो उसको प्रेस बाय भी कर सकते हैं, इसको लेकर रखना भी है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है पर अभी नीचे का सर्किट लग रहा है, तो इसमें बहुत से अभी फंस चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये वीडियो है। इसको आप आराम से जो लेवल दिया गया है उसी के आसपास उठाना है, इधर उधर कहीं भी बाय नहीं कर लेना है जिससे फंस जाए आप लोग। तो आप लोग को बता दिया गया है कहाँ कहाँ बाय करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब बता दिया गया है कहाँ पर बाय करना है। जब तक किसी रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आता इसको बाई करके नहीं चलना है, तो आप लोग बाई करेंगे उसी रेंज के आसपास जो बताया गया है, बस ये लाइन पे एवरेज करेंगे, इस लाइन से पहले कोई एवरेज नहीं करेगा। 16 से 20 के बीच में, और फर्स्ट बाइंग अगर किसी का है तो आप लोग 30 के आसपास बाई करके चल सकते हैं 40 से 45 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें इस वीडियो को, काफ़ी लोग इसमें फंस चुके हैं तो इसमें बताना ज़रूरी है। तो आप लोग शेयर करके दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शुक्रदा मचा दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना बनता है, इसमें बहुत ही अच्छे बेहतरीन स्टॉक हम लोग लाते रहेंगे। तो थैंक यू।